find current in the circuit and charge on the capacitors at t equal to 0. Find the current in the circuit. करो भाई जो बताया उसको करो, जो नोट लिखवाया उससे करो क्वेश्चन सॉल्व। पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ सबसे पहले ना, सारे कैपेसिटर को एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। चलो करते हैं ना। तो t equal to 0 पे क्या होता है भाई कैपेसिटर, देखो t equal to 0 पे सबसे पहले तो चार्ज तो जीरो रहता है कैपेसिटर पे, ये तो देखा था। तो अभी बैटरी कनेक्ट करी, अभी तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया है, तो चार्ज तो जीरो रहेगा सारे कैपेसिटर्स पे अनचार्ज थे पहले से, ठीक है। तो करंट निकालना है, तो इन सबको क्या करते हैं शॉर्ट कर दो, हटाओ, करो भाई शॉर्ट करो। तो देखो क्या आ गया तुम्हारा, 3 ओम 2 ओम और 4 ओम, यही बना। 2 और 4 किसमें है, पैरेलल, कंबाइन करो, 4 × 2 / 12, तो कितना आया, कहाँ आ रहा है 4 भाई, अच्छा मैंने गलत, अच्छा 4 6 आएगा ना, ये करो 4 × 2 / 12, ठीक है। तो 4/3 आ गया तुम्हारा, है ना। तो ये क्या बन गया तुम्हारा ये सर्किट बन गया तुम्हारा 3, तो ये तुम्हारा 3 बन गया और ये तुम्हारा बन गया 4/3। इन दोनों को कंबाइन करो तो कितना आ रहा है, 9 + 4 13/3, तो आर इक्विवेलेंट 13/3 आ गया। करंट कितना हो जाएगा, वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी कितना है तुम्हारा 19/13, कितना रहा है 3, तो इतना एम्पियर अपना करंट आ गया। देखो 270/13 एम्पियर का करंट है इनिशियली, ये कर लोगे ये क्वेश्चन आएगा तो बोलना था ना 30 वोल्ट दिया है तो 90/13, तो करंट निकाल लेंगे t इक्वल टू 0 पे, कोई दिक्कत है क्या। तो बस कैपेसिटर आएंगे उनको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है हमको। सेकंड लिखो, फाइंड करंट इन द सर्किट एंड चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स एट t इक्वल टू इंफिनिटी, या फिर ऐसे आएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना, t इक्वल टू इन्फिनिटी। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, हर वायर पे करंट बता दो। देखो इधर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसा बनेगा, कैपेसिटर्स को ओपन कर दे, तो भाई कैपेसिटर्स को ओपन कर दो, रेजिस्टर्स हटा दो, ठीक है, कैपेसिटर ओपन कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। देखो सर्किट, कैपेसिटर्स को ओपन कर दिया और रेजिस्टर्स को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि रेजिस्टर में कुछ करंट बह ही नहीं रहा है। तो वोल्टेज लिख लो हर जगह, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अगर 30 वोल्ट है ना, 30 वोल्ट की बैटरी है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 30, तो इधर पे अगर मैं लगाऊंगा तो इस पे जो Q1 आएगा वो कितना आएगा, चलो इस वाले को Q1 बोल देते हैं, Q1 - Q2 मान लो, और इसको Q2 - Q2 बोल देते हैं ना। तो Q1 कितना आएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, C × V, वोल्टेज डिफरेंस कितना है 30 - 0, 30 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है ना, तो करो 30 वोल्ट × Q = CV होता है तुम्हारा, है ना, C1 × V, तो कितना आ गया तुम्हारा 1 μ × 30 वोल्ट, तो कितना आ गया 30, ये क्या लिखा था 1 μF, 1 μF × 30 वोल्ट, तो कितना आ गया 30 μC, और Q2 कितना आ जाएगा, इस पर 2 μ है तो 2 μF × 30 वोल्ट, कितना आया 60 μC। तो ये दोनों कैपेसिटर पे हमने t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज बता दिया। देखो क्वेश्चन लिखो, मान लो दो सर्किट है ना, V1 R1 C1 C2 R2 और V2, दोनों में t इक्वल टू 0 पे अपन ने स्विच को क्लोज करा है ना, मतलब इनिशियली अनचार्ज थे और t इक्वल टू 0 पे हमने क्या करा, स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। और तुमको साथ में ये ग्राफ दिया गया है, टाइम वर्सेस चार्ज का ग्राफ दिया गया है हमको ना, दोनों सर्किट का दिया है हमको। तो एक सर्किट तो ऐसा जा रहा है तुम्हारा और दूसरे सर्किट का ऐसा जा रहा है, ये इनका क्यू मैक्स है, कोई टच नहीं कर रहा है ना, सब दोनों एसिम्प्टोटिकली जा रहा है ना, ठीक है। और ये तुम्हारा है, ये क्यू मैक्स है, दिख रहा है ना क्यू मैक्स, और ये है तुम्हारा 0.63 क्यू मैक्स। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का मल्टीग्रेड क्वेश्चन है, ये क्यू मैक्स है, ये 0.63 क्यू मैक्स है, चार ऑप्शन है, दिमाग लगाना, सोचना, सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। R1C1 इज ग्रेटर देन R2C2, R2C2 इज ग्रेटर देन R1C1, C1V1 इक्वल टू C2V2, C1V1 इज लेस देन C2V2। मल्टीग्रेड क्वेश्चन है, बताओ क्या क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो क्यों, तो सी में ऑप्शन क्यों सही है, बिल्कुल, क्योंकि इसका मैक्स बिल्कुल सही बोला ना, क्योंकि क्यू मैक्स क्या होगा इस वाले का, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो इसको शॉर्ट कर देंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 ही होता है, C1V1, और इस वाले का कितना आएगा C2V2, और दोनों का देखो दोनों का क्यू मैक्स सेम दिया ना, दोनों एक ही जगह एक ही एसिम्प्टोट को जा रहे हैं, अगर अलग अलग को जा रहे हो तो बात अलग है, मान लो ये वाला अगर ऐसे जा रहा होता तो बात अलग थी, पर दोनों एक ही एसिम्प्टोट को जा रहे हैं, ये क्यू मैक्स ही बताता है। देखो इसमें तो मैंने क्यू मैक्स लिख दिया, एग्जाम में लिखा नहीं है तब भी समझ जाना है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा था कि दोनों का क्यू मैक्स सेम है और क्यू मैक्स C × V होता है, देखो इक्वेशन खोल के देख लो, लिखिए C V × 1 - e⁻ - t/RC, इससे अपना सी ऑप्शन सही हो गया सबसे पहले, तो देखो बी कैसे होगा बताओ। अब यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट वाले का पहले आ गया टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ये पहले वाले का टाइम कांस्टेंट मान लेते हैं, ये दूसरे वाले को मान लेते हैं, इसमें tau1 less है,
बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे टाउ वन टाउ टू से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। और टाउ क्या होता है? आर सी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर वन सी वन इज लेस देन। तो आसान तो है, क्या दिक्कत है? हल्का सा ऑब्जर्वेशन करना है, तो बी हो गया लो, बी और सी हो गए मेरे से। देखो कोई डाउट है तो